बिग बॉस ओटीटी में यूजर्स ने दिखाए सबूत, पूजा भट्ट ने बिग बॉस के साथ मिलकर बनाया प्लान। नमस्कार, फिल्मी संवाद में आप सभी का स्वागत है, मैं नम्रता। आप आगे तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिग बॉस ने घर की सदस्य पूजा भट्ट के साथ मिलकर नॉमिनेशंस का प्लान किया था। इतना ही नहीं, बिग बॉस पर बायस्ड होने का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। दरअसल बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ। इस टास्क से पहले पूजा भट्ट कुछ देर के लिए घर से गायब थी। वहीं जब ये वापस आई तब बिग बॉस ने उन्हें एक ऐसी पावर दी जिसकी वजह से पूरा खेल ही पलट गया। बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क के दौरान पूजा भट्ट को एक सदस्य को सेव करने का पावर दिया। पूजा भट्ट ने अभिषेक मलहाल को बचाया। फिर बिग बॉस ने घर की कैप्टन पूजा भट्ट से ये तय करने के लिए कहा कि वह किस सदस्य को कितने लोगों को नॉमिनेट करने का हक देना चाहती है। पूजा भट्ट ने अपने हिसाब से घर के अन्य सदस्यों को मौका दिए। इस तरह 4 सदस्यों ने मनीषा रानी और आसिका भाटिया को नॉमिनेट किया। एक सदस्य ने जिया शंकर और एक ने जाद हदीद का नाम लिया। वहीं 2 लोगों ने बेबिका धुर्वे, अविनाश सचदेव और अलविश यादव को नॉमिनेट किया। लेकिन बिग बॉस ने अनाउंस किया कि इस बार घर से बेघर होने के लिए मनीषा रानी और आसिका भाटिया नॉमिनेट होती हैं। इसी के साथ आपको बता दें, ये पहली बार है जब सिर्फ 2 सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कह रहे हैं कि पूजा भट्ट को बिग बॉस ने नॉमिनेशन डिस्कस करने के लिए बुलाया था। यह वीडियो में अविनाश सचदेव पूजा भट्ट से पूछते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने हरा सेब अभिषेक मलहाल को क्यों दिया, उन्होंने हरा सेब देकर उन्हें या फिर बेबिका को क्यों नहीं सेव किया। इस सवाल के जवाब में पूजा भट्ट कहती हैं, क्योंकि मुझे पता था कि कौन लोग नॉमिनेट नहीं होंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।